हेलो, गुड मॉर्निंग। तो मैं आरती आरती लाल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सब। कल सप्तमी का भी ब्लॉग मैं इसमें ऐड करूँगी। तो कल सप्तमी था, तो कल भी मैं माता रानी का भोग बनाई थी, तो वो भी मैं वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड छोटा सा है, तो वो मैं आप लोग के इसी वाले वीडियो में ऐड कर दूँगी। तो ये वीडियो सप्तमी के इवनिंग का है। तो यहाँ पे मैं माता रानी के लिए भोग बना रही हूँ। तो भोग में है खिचड़ी, पालक पकौड़ा, परवल पकौड़ा, आलू पकौड़ा, बड़ी। तो यही सब बनाकर माता रानी को भोग लग चुका है। तो यहाँ पे अच्छे से, तो आप लोग बताइएगा आप लोग सप्तमी को क्या क्या चीज़ से भोग लगाते हैं माता रानी को। मेरे यहाँ तो खिचड़ी यही सबसे भोग लगता है। तो चलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो आरती लाल ब्लॉग में आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज है अष्टमी, तो आज मैं नहा धोवा कर बाद में धोकर थोड़ा सा आज खोइछा भरूँगी। आरती बेटा मैंने आरती ले ली, आप लोग भी आरती ले लीजिए। पापा जी डाल रहे हैं पैसा आरती का। तो आरती पूजा सब कुछ हो गया। आपसे जो माता रानी का खोइछा भराएगा, सिंदूर चढ़ेगा, वो होगा। तो अभी तो कुमकुम मैं माथा पे लगाई हुई हूँ, तो सब होगा। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। छोटा सा ब्लॉग मैं डालूँगी अष्टमी का और सप्तमी का, दोनों मिलाकर डालूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज मेरा अष्टमी का फास्ट है। तो पहले तो मैं निर्जला व्रत रखती थी, जब से शादी के बाद भी मैं निर्जला व्रत रखती थी, लेकिन कुछ लोग बोलने लगे चार लोग कि निर्जला व्रत नहीं रखते हैं शादी के बाद, तो फलहारी करना चाहिए। तो मैं वही दो तीन साल से फलहारी कर रही हूँ इस बार भी। वैसे भी मेरा आज व्रत है अष्टमी का, तो मैं खोइछा भरूँगी, नारियल मुझे फोड़ना है, नारियल चढ़ाना है माता रानी को, तो वो मैं चढ़ाऊँगी। वैसे मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैंने गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मैं फ़ैन चला रही थी, तो आवाज़ हो रहा होगा, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पे मेरा खोइछा भरने का टाइम आ गया, तो मैं यहाँ पे माता रानी को खोइछा भर रही हूँ। तो जो प्रोसेस होता है पान का पत्ता ये सब डालकर, तो मैं वो सब कर रही हूँ। तो आपको पूरा वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैं किस तरह से खोइछा भरती हूँ। मेरे पूजा करने से पहले माँ की हुई हैं यहाँ पे पूजा, तो यहाँ पे खोइछा भरी हुई, तो मैं माँ को ही देखकर जैसे जैसे वो की हुई हैं तो ऐसे ही मैं कर रही हूँ। तो क्योंकि बड़ा का तो फॉलो करना पड़ता है ना, क्योंकि छोटा को तो उतना आता नहीं है, तो इसीलिए माँ जैसे जैसे की हुई हैं वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप लोग देखिए, इंजॉय कीजिए। तो चलिए। यहाँ पे मैं माता रानी को नारियल जो चढ़ाई थी, वो नारियल एक बार में फूट गया, पूरा क्रैक आ गया, पानी भी गिर गया, लेकिन दो आधा नहीं हुआ, पानी गिर गया। तो मेरा तो मनोकामना सफल हो गया, जो मैं चढ़ाई उन माता रानी को वो पूरा हो गया। तो मैं इसीलिए हाथ से ऐसे करके खींच कर हटा दिए, ताकि दो आधा हो जाए। तो मेरा पूजा रूम बहुत छोटा है, इसीलिए ज़्यादा फैल जाता है। तो पूजा कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, छोटा पूजा रूम है तो फैलना ही है। मेरी पूजा हो गई है, खोइछा उछा जो भरना था वो भी हो गया है, अंधेरा आ रहा है अब, ठीक है, तो वो हो गया, सब चीज़ हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, चाय बनाऊँगी, चाय शरबत पीऊँगी, उसके बाद और क्या करूँगी।
उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मैं बार बार बोलने जा रही हूँ। तो चलिए मैं वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब के लिए बाय बाय।